जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। निर्णय लेने का अधिकार है, उन्होंने पहले निर्णय लिया और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है, उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं, एक साथ हम लोग हमसे मिले भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले, उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया। उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। देखिए, जो केंद्र सरकार ने कैसे पीछे हो जाए 3 कृषि कानून बनाया था और ये केंद्र सरकार का निर्णय था, अब इसके बाद अभी आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको घोषित कर दिया कि हम इसको वापस ले लेंगे इसी अगले सत्र में ही। तो जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई, इसलिए इसमें कोई खास बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने पहले निर्णय लिया और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। ये कहा जा रहा है बार बार कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में उसको लेकर ये वापस किया गया। नहीं, अब ये इसके बारे में तो कौन क्या बोलता है, ये तो सब अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो तीनों कृषि कानून के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह ही स्टेटमेंट दे दिया और पूरी बात कह दी, तो इसलिए तो सब बात स्पष्ट है, उसमें कोई चीज अस्पष्ट नहीं है। और बाकी तो जिसको विपक्ष का जिसको जितना बोलने का मन है बोलता रहेगा, जनता की जीत है। देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलते रहते हैं लोग, बोलते रहेंगे, लेकिन मूल जिनको निर्णय लेना था उन्होंने अपने निर्णय का ऐलान किया, महत्वपूर्ण वो चीज, और बाकी कोई निर्णय थोड़ी लेते हैं, तो बाकी लोगों को भी बोलने का अधिकार तो है ही, तो अपना बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी लालू जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भी ऐसी अब आंदोलन करने की जरूरत है। ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है, उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं, एक साथ हम लोग हमसे मिले भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले, उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया, उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, तो जो चिट्ठी उनकी पार्टी की तरफ से आया था वो तो चिट्ठी रखा ही हुआ है ना, सब हमको उन्होंने भी वहाँ भी हमने भेज दिया था कि वहाँ नहीं होगा तो राज्य में ही होना चाहिए, तो हम लोगों ने भी तो ये कहा ही है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। हम लोगों के भी मन में बात है, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उसके बारे में करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक शराबबंदी को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक किया, कई घंटों तक बैठक हुई, आपको ये लगता है कि हाँ बिहार में कुछ लोग हैं जो आपके इस शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं, जो धंधेबाज हैं, वो चाहते हैं कि ये विफल ही हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही बात है, हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि देखिए कुछ न कुछ तबका तो ऐसा होता ही है, हर आदमी को आप उम्मीद करिएगा कि एक विचार का होगा, ये संभव नहीं, ये तो दुनिया भर की बात है। जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में ये जो स्वभाव होता है सबको मालूम है, तो हम लोग तो ये मान करके चलते हैं और शुरू से भी कहें कि कुछ लोग तो होंगे जो इसके खिलाफ रहेंगे, उनके हैं क्या आपके हैं, लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए, गड़बड़ी करने वाले पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए, ये सब बात हम लोग शुरू से बोलते रहते हैं, ये तो फैक्ट है। कुछ तो बाएं दाएं करता ही है और कितना गंदा काम करता है, आप देख रहे हैं किस तरह का शराब बनाना और लोगों को खाने की जो इच्छा होती है देखिए उससे भी पता चलता है। तो कुछ लोग तो इसके खिलाफ हैं ही, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया और फिर जो मीटिंग हम लोगों ने की है उस दिन 7 घंटा एक एक विषय पर, शुरुआती दौर पर जो इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, और उसके अलावे जितना इसके लिए अभियान चला और अलग अलग समय पर 9 बार हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक की, उसमें कैसी बातें कही गई, तो उन एक एक चीज़ का जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं एक बार, उन सब चीज़ों पर चर्चा की हम लोगों ने, और इसके बारे में अधिकारियों को और सब लोगों को कहा कि इस पर पूरे तौर पर आप काम करिए और जैसे हम लोगों को देखना है
जो लॉ एंड ऑर्डर है या कोई अपराध है उसके खिलाफ कार्रवाई, उसी तरह से इस पर भी पूरी सक्रियता के साथ करना है, ये कह दिया है। और इसके लिए और अभियान इसको खूब अच्छे ढंग से फिर चलाएंगे, ताकि कुछ लोग जो इधर उधर करता है तो फिर एक बार उन लोगों को ठीक करने की कोशिश हम लोग करें। यही हम लोगों का प्रयास, हम लोग तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे।